सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मेरा नाम है मनेंद्र सिंह गोला और आप जुड़े हुए मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज दो अपडेट हैं, एक तो बैक ऑफिस से संबंधित अपडेट है, एक बैक ऑफिस में हमारे माइकल विलियम सर ने एक पोस्ट किया हुआ है और दूसरी अपडेट है वो है हमारे रॉयड सर के द्वारा। जी हाँ, इन दोनों ही अपडेट के बारे में आज बात करने वाले हैं। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं माइकल विलियम सर ने किस प्रकार की अपडेट दी है, वहां पे उन्होंने क्या पोस्ट किया है। और अगर अभी तक आपने जो है हमारा बैक ऑफिस खोल के नहीं देखा है तो अपना बैक ऑफिस खोल करके आप जरूर उसको चेक करें, उसको रीड करें और उसमें बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन माइकल विलियम सर ने दी है। माइकल विलियम सर ने सबसे पहले तो यहां पे हम सब लोगों को जो सेलिब्रेट करने के लिए बोला है वो है थैंक्स गिविंग डे। जी हाँ, जिस तरीके से हमारे बहुत सारे डे होते हैं, जैसे कि हैप्पी बर्थडे एंड एनिवर्सरी डे एंड बहुत सारे हमारे पर्व होते हैं एंड फ्रेंड्स डे, इस तरीके से अमेरिका के अंदर एक डे होता है जिसका नाम है थैंक्स गिविंग। जी हाँ, थैंक्स गिविंग डे, उसको भी जो है अमेरिका बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करता है। सो यहाँ पे हमारे माइकल विलियम सर ने हमारी पूरी ऑन पैसिव फैमिली के लिए यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एक थैंक्स हम सब लोगों के लिए बोला है कि वो चाहते हैं कि मैं भी जो है अपनी ऑन पैसिव फैमिली के लिए जो है विश करूं, उनके लिए थैंक्स बोलूं। माइकल विलियम्स ने बोला है कि जैसा कि आज संयुक्त राज्य अमेरिका आज थैंक्स गिविंग डे मना रहा है और मुझे हमारे निष्क्रिय परिवार को यानी कि ऑन पैसिव परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए कुछ समय चाहिए। ग्रेटिट्यूड की भावना को आज और हमेशा अपने दिलों में गहराई से गूंजने दें। ग्रेटिट्यूड के इस मौसम के दौरान आइए अमूल्य प्रभाव पर भी विचार करें। हम में से प्रत्येक ने अपने ऑन पैसिव कम्युनिटी पर प्रभाव डाला है, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, कृपया इन सारी चीजों को आप जारी रखिए, इन सारी चीजों को बंद करने की जरूरत नहीं है। दूसरों का आप अनुसरण करके मार्ग को रोशन करें, दूसरों को रास्ता दिखाएं, जिस तरीके से आज एस मुफारे सर हम सब लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं। सभी ऑन पैसिवियंस की ओर से मैं कहना चाहता हूं कि हमें अपने पर बेहद गर्व है। कंपनी की जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, ऑन पैसिव के सार्थक तरीके दुनिया में बदलाव लाने के लिए आगे बढ़े। आइए हम सब याद करें और जश्न मनाएं, यह जानते हुए कि हमारा जो फ्यूचर है वो पहले से कहीं ज्यादा ब्राइट है। हमें गर्व है और हम अपने सीईओ और उनके परिवार के साथ मिलकर के मिशन और विजन का समर्थन करने वाले सैकड़ों लोगों के प्रति हमेशा आभारी रहेंगे जो हम सभी को एक शानदार विरासत छोड़ने में मदद कर रहे हैं। सभी के लिए हैप्पी गिविंग थैंक्स गिविंग डे। जी हाँ, सभी के लिए हैप्पी थैंक्स गिविंग डे। तो ये जो एक डे है ये हम सब लोगों के लिए एक ऐसा डे है जिसमें आप सब लोग अपना एक दूसरे से हर किसी को एक थैंक्स बोल सकते हैं। आप भी अपने ब्लेसर को थैंक्स बोल सकते हैं, एस मुफारे सर को थैंक्स बोल सकते हैं एंड हमारी जो टेक्निकल स्टाफ है, टेक्निकल टीम है, उसको भी थैंक्स बोल सकते हैं। सभी के लिए मैं अपनी तरफ से सभी ऑन पैसिव फैमिली के लिए और एस मुफारे सर की फैमिली के लिए, टेक्निकल स्टाफ के लिए, मैनेजमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और हमारे जितने भी यहां पे ऑन पैसिव फैमिली के ग्लोबल लीडर्स हैं, सभी के लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा कि अगर हम सब लोग मिल करके अगर ये सारे काम नहीं कर रहे होते तो आज हम एक ग्लोबल फैमिली नहीं होते। अब बात करते हैं यहां पर हमारे रेड सर के द्वारा दी गई एक एक्साइटिंग अपडेट के बारे में। जी हाँ, एक्साइटिंग अपडेट। रेड सर ने कल लाइव आकर के सबसे पहले अपनी बात को यहीं से शुरू किया एंड टुडे इज अ हैप्पी थैंक्स गिविंग डे। जी हाँ, और उन्होंने एक बात और भी कही कि जिस तरीके से बहुत सारे हमारे मैन फेस्टिवल्स होते हैं यूके के अंदर, इस छोटे से डे को जो है एक बहुत बड़े डे में मनाया जाता है, एक लाइक क्रिसमस की तरह मनाया जाता है। यहां पे रेड सर ने बताया कि अगर आपने बैक ऑफिस को चेक नहीं किया है तो आप वहां पर भी जाकर के माइकल विलियम्स सर की पोस्ट को चेक करें, और जो कि जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया था, रेड सर ने बताया कि मैं पिछले 5 साल से ऑन पैसिव में जो है लगातार बना हुआ हूं। जी हाँ, लगातार पिछले 5 साल से जब से कंपनी चल रही है, और अपना आभार प्रकट करते हैं। रेड सर ने बताया कि सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है एंड हमारा सिर्फ और सिर्फ एक साइड रह गया है जो कि अभी कवर होने के लिए पूरा हो, मतलब कवर नहीं हो पाया है, कवर होने के लिए बचा हुआ है, वो है मनी साइड, वो है ये वित्त वाला साइड यानी कि पैसे वाला साइड अभी थोड़ा सा दूर रह गया है। बाकी हमारे जितने भी साइड्स हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन हमने ऑन पैसिव के ऊपर जो भरोसा रखा है, जो विश्वास रखा है, उसका रिवॉर्ड हम सब लोगों को मिलने जा रहा है। जी हाँ, जो भी रिवॉर्ड हम सब लोगों को मिलने वाला है कंपनी की तरफ से, वो हम सब लोगों को मिलने जा रहा है।
रेड सन ने यह भी बताया कि ऑन पैसिव ने मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा काम किया है और वो यह है कि मुझे एक अच्छी जिंदगी जीने का उद्देश्य दिया है। इसके लिए मैं हमेशा ऑन पैसिव का आभारी रहूंगा और इसने मुझे टोटल पूरी तरीके से बदल के भी रख दिया है। रॉयर्स ने बताया कि मेरा जो प्रोफेशन है वह है शेफ का। पहले इतने लोग मुझे नहीं जानते थे मगर आज ऑन पैसिव की वजह से आज मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स यहां पे हो चुके हैं। मैं जो भी काम करता हूं आप उसे पसंद भी करते हैं, यह मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है और मैं इसके लिए हमेशा आपका थैंक्स भी बोलता हूं। रॉयर्सन ने कहा कि ऑन पैसिव हम सब लोगों को टाइम फ्रीडम एंड मनी फ्रीडम देने जा रही है और इसी चीज को लेने के लिए ही हम सब इस ऑन पैसिव में शामिल हुए हैं। इस कंपनी के माध्यम से जो हमें बहुत बड़ा परिवार मिला है, प्यार मिला है, इन सभी के बारे में मैंने कभी भी नहीं सोचा था और इस बिजनेस में हमको वह सब कुछ मिल गया है जो एक परिवार में होता है। बस हम एक कदम दूर हैं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से, सिर्फ और सिर्फ एक कदम दूर हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम अपनी लाइफ में एक मिलेनियर भी बनेंगे। ये अपने आप में कमाल की बात है, किसी ने भी नहीं सोचा था, ना आपने सोचा था, ना ही मैंने सोचा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे 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 लाइफ जहां भी हमें लेके जाती है हम वहां पे पहुंचते चले जाते हैं। शुरुआती दिनों से ही हमने इस कंपनी को चलाने में और इसको बनने में जो मदद की है, यही कुछ चीजें हैं जिसने मेरी लाइफ को बहुत अच्छा बनाया है। हमारे सीईओ हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ यहां पर कर रहे हैं और बहुत कुछ बनाने में लगे हुए हैं। ऐसा जो भी कर रहे हैं मैं उसके बारे में कभी भी शिकायत नहीं करता हूं। कंपनी हमारे बेनिफिट्स के लिए ही सारे के सारे काम कर रही है। रेडसन ने बताया कि इस मेहनत का फल हमें बहुत ही लंबे समय तक मिलने वाला है, बहुत ही लंबे समय तक मिलने वाला है, यानी कि पीढ़ियों तक इसका जो फल है वो हम लोगों को मिलने वाला है इस काम का, और इसलिए हम इस फल को आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ऐसा वह सभी काम कर रहे हैं जिससे हमारी देखभाल की जा सके, हम अपनी खुद देखभाल कर सकें और हम अपने आसपास के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसकी हम खुद देखभाल कर सकें और ऑन पैसिव हम सब लोगों की देखभाल कर सके। ऐसर खुद चाहते हैं कि हम यहां पर जल्द से जल्द जीतें। ऐसर यह नहीं चाहते कि आज हम यहां काम करें, कल हम वहां काम करें, परसों हम यहां चले जाएं, यानी कि हम भटकते रहें। ऐसर यह बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। एक परमानेंट सक्सेस हम लोगों को देना चाहते हैं जिससे कि आप एक परमानेंट हो जाएं कि हाँ अब आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। स्पेशली फाइनेंशियल सक्सेस देना चाहते हैं क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने लाइफ के अंदर फाइनेंशियल सक्सेस पाना चाहता है। दूसरी कंपनियों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग पैसे के पीछे भागते रहते हैं लेकिन अपनी इस कंपनी के अंदर सीईओ सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि वह सब कुछ देना चाहते हैं जो आपको एक कंप्लीट डेवलपमेंट दे सके। यही एक सबसे बड़ा अंतर है दूसरे कंपनी के सीईओ में और हमारे कंपनी के सीईओ में। बहुत सारे लोग हमारे इस काम को पूरा करने में बाधा भी डालते हैं, डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, रुकावटें डालते हैं क्योंकि हम जो कर रहे हैं वह लोगों को पसंद नहीं है। हम लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, हम करप्शन को दूर करना चाहते हैं, हम हर प्रकार से सोसाइटी के अंदर सुधार करना चाहते हैं, जितना भी करप्शन है उसके अंदर सुधार करना चाहते हैं, ये लोगों को पसंद नहीं है। कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए कोई भी काम नहीं कर रही है। हमारे पास जो डाटा आ चुका है वह मिलियंस ऑफ डॉलर्स का डाटा है। अगर चाहे तो कंपनी इसको सेल आउट कर सकती है लेकिन कंपनी ऐसा कभी भी नहीं करेगी दूसरी कंपनियों की तरह। यहां पे हमारे इस कंपनी के अंदर ये रूल्स में है ही नहीं है कि हम ये कंपनी जो डाटा है वो हम इसको सेल करेंगे। सो इसलिए मैं सभी से लास्ट में यही बोलना चाहूंगा, वेरी वेरी थैंक्स गिविंग अ डे। हम हर किसी के लिए जो है यहाँ पे थैंक्स बोल सकते हैं, आप जिसको चाहे उसको थैंक्स बोल सकते हैं, आप एक पोस्ट बना करके भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप बोलना ना चाहें, बोलने में थोड़ी सी शर्म लगती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मेरे कमेंट सेक्शन में आकर के भी जो है थैंक्स लिख सकते हैं। बिकॉज अगर आपको थोड़ी बहुत शर्म लगती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज
थैंक्स गिविंग डे है और इसलिए आज हम सभी लोगों को जो है ऊपर वाले का भी धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमें एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर दिया, एस सर का, एस सर की फैमिली का, हमारे ग्लोबल लीडर्स का एंड हमारे टेक्निकल स्टाफ का एंड हमारे जितने भी इस पूरी ऑन पैसिव फैमिली के अंदर जितने भी हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं सभी का एंड हमारी मैनेजमेंट का, ओ मीडिया टीम का, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का, सभी का हम यहां पे तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आज हम सब लोग बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं और हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने जा रहा है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, वी आर सोनेट टू विन इट। जीत हमेशा उसी की होगी जिसकी तैयारी अच्छी होगी।